लगा था। माँ तो चली गई, एमजेएस छोड़ दिया, भैया को छोड़ दिया, लड़ाई कर ली माँ और भैया ने। अरे मूर्ख, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अगर थोड़ी देर के लिए मान भी चलिए कि हम लोगों में थोड़ी बहुत कोई बहस हुई या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एज जैसे एडल्ट्स कहते हैं, देयर वाज अ लिटिल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का ये मतलब नहीं है कि सालों साल का रिश्ता एक पल में तोड़ के, जो तुम लोग करते हो मूर्खों की तरह, ब्रेकअप हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया। नहीं बेटा, यहाँ कोई ब्रेकअप ब्रेक ऑफ नहीं होता है। माँ तुम्हारे पास थी, है और हमेशा रहेगी। वंस एन एमजेएससीएन ऑलवेज एन एमजेएससीएन, ये टी शर्ट कभी नहीं बदलेगी। तो आज से शुरू करते हैं हम लोग कि अब जो हमारा सफर स्टार्ट होगा, 10 अप्रैल पे जाके खत्म होगा, उसको हम लोग किस तरह लेके आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा कि क्या फिर से एक स्ट्रैटेजी, फिर से एक प्लानिंग? पर इतने दिन से तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, जैसे भी करके पढ़ रहे थे, और आखिर हमने एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो भाई एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, डज एनी स्टूडेंट नीड अ स्ट्रैटेजी? क्या हमें इसकी जरूरत भी है? और इसका आंसर बहुत क्लियर है, एटलीस्ट एज अ टीचर, इवन एक स्टूडेंट के तरीके से अगर हम देखते हैं, उस कहते हैं ना कमिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, अगर तुम्हारे पक्ष से भी देखें तो इस क्वेश्चन का पहले तो फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में जाके आंसर लिखिए, क्या आपको एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है अपने 10 अप्रैल के एनडीए के एग्जाम को फोड़ने के लिए? तो फटाफट जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए, डू यू नीड अ स्ट्रैटेजी? और अगर तुम्हारे पास है एक स्ट्रैटेजी तो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करिए। आई वुड लव टू नो, ऑल ऑफ अस हियर एट एमजेएस वुड लव टू नो कि हमारे बच्चे कितना अच्छे से प्रिपेयर करके बैठे हैं। और वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है यस, बिना प्लानिंग के आज तक कोई युद्ध नहीं जीता गया है, और ये भी एक युद्ध है। जब हम एक युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं तो हर अच्छा सेनापति, हर अच्छा ऑफिसर प्लान करता है, भाई तुम इधर से, हम इधर से, हम ये करेंगे, तब विजय प्राप्त होती। रैंडमली, हाँ सलमान खान की मूवी, हम इधर से जा रहे हैं, यहाँ पे अपना वो लिए हुए ठीक मशीन गन चलाते हुए चले जाएंगे, घुस जाएंगे, सबको मार गिराएंगे। नॉट पॉसिबल बेटा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड एंड अ होल लॉट ऑफ गर्ल्स, जिनमें से बहुत सी लड़कियों के पास ये शायद पहला अटेम्प्ट होगा। हाँ ठीक है कि नवंबर में कुछ लोगों ने पेपर दिया था, बट बहुत छोटा सा नंबर था जहाँ पेपर दिया था लड़कियों ने। अब की बेटा तुम्हारा भी टेस्ट है, तो तुम्हारे लिए तो हर हाल में यू नीड अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। नाउ मोस्ट ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट्स, जिन्होंने लास्ट ईयर पेपर दिया होगा, या हो सकता है उनका थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, तो आपके पास होती है एक रफ सी स्ट्रैटेजी, मोर और लेस क्या होती है, ये कर लिया, ये कर लिया। पर तुम्हें चाहिए इसलिए क्योंकि ये है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत से बच्चे जो आज तक लेके चल रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को, वो क्या सोच के चल रहे हैं, 5 प्रश्न आते हैं, ये वाली गाइड है, दिशा मिल रही, इससे रट लेंगे, फलानी गाइड है, इससे रट लेंगे। कई बच्चे तो सिर्फ कुछ किताबों पे निर्भर कर रहे होंगे, ओके आई बॉट दिस बुक एंड दिस बुक, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड। बट यू नीड टू ओपन द बुक, मोर ओवर यू ऑल्सो नीड टू गो थ्रू द बुक, बाइंग द बुक इज नेवर गोइंग टू गेट यू थ्रू एनी एग्जाम। रीडिंग, मेमोराइजिंग, रोट लर्निंग, नन ऑफ दिस इज गोइंग टू वर्क, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये एक यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी अलग लेवल है बेटा, तो वेलकम टू यूपीएससी। और तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ तक होगी, तुम ये कर रहे होगे मान के चलो, और वो भी तब कर रहे होगे जब तुम होगे, लिखा जरूर है स्टूडेंट स्ट्रैटेजी, बट एक्चुअली यहाँ लिखा होना चाहिए था अ गुड एंड एसिडुअस स्टूडेंट स्ट्रैटेजी, यानी जो हार्डवर्किंग होता है सिर्फ वो ये स्ट्रैटेजी लेता है। क्या क्या? पास्ट ईयर पेपर कर लेगा, बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करेगा, किताबें यहाँ से कुछ वीडियोस देखेगा, ठीक बहुत से लोगों के, टीचर्स के, टीचर्स से डिस्कस करेगा, ये कुछ क्लियर करेगा, प्रैक्टिस सेट उठाएगा और बाद में मॉक सेट्स कर लेगा। डू यू थिंक दिस इज इनफ? इतना तुमने कर लिया, मान के चलो तुम एक वाकई डिलीजेंट बच्चा हो, बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत समर्पित हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें हर हाल में इस बार एग्जाम क्लियर करना है, तुमने ये सब किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस इज सफिशियंट? क्या ये काफ़ी है, इससे हो जाएगा? कितने लोगों को लगता है कि अगर तुमने ये सारा कुछ कर लिया है तो तुम्हारा
एनडीए का पेपर 10 अप्रैल का आराम से निकल सकता है इंग्लिश का. लेट मी क्विकली नो द सेकेंड क्वेश्चन एंड डू यू थिंक इज दिस एक्चुअली इनफ. अब आते हैं चेक पॉइंट्स पे. चेक योर प्रिपरेशन. तुमने क्या क्या प्रिपेयर किया है. तुमने बेसिक कर लिया, तुमने मॉक वॉक लगा लिए, पास्ट ईयर पेपर देख लिया है. बट क्या तुम श्योर हो यूपीएससी जो कुछ पूछ रहा है. एरर डिटेक्शन आता है. 10 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा. सिनोनिम एंटोनिम, 10 सिनोनिम 10 एंटोनिम. 2014 में सिनोनिम्स नहीं आए थे, 10 एंटोनिम्स दिए. बट अदरवाइज हर साल आता है. आर यू प्रिपेयर्ड दिस मच. तुम्हें पक्का पता है. फिल इन द ब्लैंक्स. एफ आई बी मतलब फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स भी काफ़ी आया है और इसमें फ्रेजेस पूछे जाते हैं, भर भर के दे देते हैं. डू यू थिंक यू नो एवरी थिंग. जंबल सीक्वेंस दे दिया गया है भाई. क्या तुम्हें आता है. 2020 में दिया, 21 में दिया, लगातार कई बार दिया जा रहा है. रिपीटेटिव केसेस हैं ये. और इधर तो आप कई बार से दे रहे हैं ईडियम्स. और फ्रेजेस का तो क्या ही कहें. खैर ये तो अनंत वाला एक टॉपिक हो जाता है. सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको हम लोग क्लोज टेस्ट कहते हैं. पैराग्राफ फिल इन द ब्लैंक्स है एंड ऑफकोर्स पैसेज. 2019 तक पैसेज भी आया है. क्या तुमने ये सब कुछ प्रिपेयर किया. या तुमने कहीं रैंडम कोई मॉक लगाया, कोई टेस्ट सीरीज लगा ली. अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा कुछ था कर लिया अपना, क्योंकि तुम्हें 50 क्वेश्चंस मिलने हैं. क्या सारा तुमने अलग अलग प्रॉपरली किया है. एंड अभी तो हमने ग्रामर की डिटेल की बात भी नहीं शुरू की है. इफ यस, अगर इसके बाद तुम्हारा आंसर है हाँ, तो बेटा अगर कल भी एग्जाम हो जाएगा तुम प्रिपेयर्ड हो. देन यू वेलकम not to UPSC, not to this, welcome to Kharakwasla. This is I would say for you. But agar isme se kahin kuch aisa hai, starting right from here till here, agar kahin kuch idhar udhar hai, kuch lag raha upar niche, to you really need to know a lot. And this is where the strategy comes into play. एरर हर साल दे रहे हैं. सिनोनिम 2014 एज आई सेड छोड़ के बाकी हमेशा एंटोनिम. ईडियम्स 2018 से लगातार चल रहा है. फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रेजेस 2010 से लगातार, एक्सेप्ट 2011 एंड 12. ये दो साल नहीं आया, बाकी हर साल पूछा जा रहा है. सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2014 से 17 हर बार पूछ लिया है. मान के चलो कि उनको फिर से मूड आ जाए, यार चलो इस बार डाल देते हैं, क्या करेंगे हम. एंड पैसेज 2019 तक आया. 2020-2021 नहीं आया. पर इसका ये मतलब नहीं कि यूपीएससी भूल गया. ओहो, पैसेज भी एक चीज़ होती है. काफ़ी दिन से नहीं दिया, चलो दें, क्या करेंगे हम. तो ये होना चाहिए आपका कॉन्सेंट्रेशन. तो अब यहाँ से करते हैं शुरुआत, द बिगनिंग. और शुरुआत अगर अच्छी हुई तो अंत भी हमेशा अच्छा ही होगा. तो भैया हर हर महादेव के नारे के साथ जय श्री गणेश किया जाता है आज से अपने मिशन 200 का, ताकि आप आराम से अपने इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल फ्री होके, चिंता मुक्त होके, जब आप पेपर हाथ में करें कहें ओके आ रहा सेकंड पेज, यस ये तो मैंने पढ़ा था, अरे यार ये तो बिल्कुल अच्छा, ये फीलिंग आनी चाहिए. बजाय इसके ये क्या है, ये इंग्लिश है, किताब में तो पता नहीं क्या लिखा था, ये नहीं होना चाहिए. तो इसलिए हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे बिल्कुल अच्छे से, एक प्लान्ड वे में, कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ. तो बेसिक्स एंड फंडामेंटल, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया. देखिए हमारे पास टाइम कितना बच रहा है. इफ यू सी द बोर्ड क्लियरली, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 21 फरवरी से और 9 अप्रैल. भैया 10th को तो सुनो पेपर दोगे ना. अब ऐसा तो है नहीं वहाँ 10 को खड़े होके बेटा देखो आज ये कर लेना ये कर लेना, ये नहीं होता है. ठीक है, यूपी बोर्ड का पेपर नहीं है बेटा, यूपीएससी का पेपर है. तो आप 21 फरवरी से 9 अप्रैल तक, और बीच में देखो भैया तुम्हारी होली होली भी पड़ेगी, छुट्टी होगी, बच्चे होली खेलेंगे, हम लोग भी खेलेंगे. भैया एमजेएस की होली वर्ल्ड फेमस है फॉर दैट मैटर. अगर तुमने हमारे साथ होली नहीं खेली तो तुमने जीवन में कुछ नहीं किया है. ये लेके हम लोग चलेंगे. तो फर्स्ट वीक हम लोग बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स पे वर्क करेंगे. उसके बाद हम लोग अपने एक्सेप्शंस देखेंगे, एडवांस केसेस देखेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे जो हमें चाहिए होती हैं. और ये नहीं कि अच्छा मैम वो एरर डिटेक्शन, मैम सिनोनिम, नहीं, एवरीथिंग टुगेदर. बिकॉज बहुत कम समय में हमें बहुत सी चीज़ें करनी, और उसके बाद हमें अपने पास्ट ईयर पेपर सीरीज को कंप्लीट करना है. क्यों,
ताकि हम अपनी ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं इसके ऊपर हम पूरी तरह से बात कर सकें अच्छे से डिटेल में। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक कितनी है, कितने एक्साइटेड हैं आप कि हाँ भाई माँ वापस आ गई, चली नहीं गई थी, वो प्रैंक था, बड़े भैया तुम जानते हो हू हा करने में एक्सपर्टीज है इनकी, तो वो सिर्फ एक छोटा सा प्रैंक, भैया ने देखो मैंने तुम लोगों को नहीं रुलाया, मैं तुम लोगों को कभी नहीं रुला सकती, लेकिन भाई ठीक है भैया हैं तुम्हारी तरह, बच्चा है हमारे लिए तो ठीक है, कभी कभी माँ भी इंडल्ज कर लेती है कि चलो बच्चे ने कहा है चलिए कर लिया जाए। अदरवाइज तुम लोगों को छोड़ के आप खुद सोचो, जिस दिन तुम्हें छोड़ के जाएंगे उस दिन हम वाकई टीचिंग छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से छोड़ के कहीं कहीं से कहीं, ये यहाँ कभी नहीं होगा। तो आई एम हियर टू स्टे एंड आई वॉन्ट टू नो कि मेरे बच्चे कितने एक्साइटेड हैं कल से 21 से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, एंड हाउ मच हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अभी तक आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या चीज़ें आपने की हैं, आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं कि आपके साथ कर ली जाए, आपको है कि मैम इतना हो गया यहाँ से अगर हम लोग कर लें तो हम लोग उतने ही कम समय में बहुत सी चीज़ें आराम से प्रिपेयर कर ले जाएंगे। तो गो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल सी, जैसे आपने उस वाले वीडियो पे ढेर सारे कॉमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि आप में से बहुत से लोगों ने मैसेज किए कॉमेंट बॉक्स में कि माँ हमें छोड़ के मत जाइएगा, और माँ हम लोग डर गए थे, हमें भी बहुत गुस्सा आई बाद में BBR पे, ये कौन तरीका होता है, मेरे बच्चों को रुला दिया, बच्चे लिख रहे हैं हार्ट अटैक आ गया, दिस वॉज सो हार्ट मतलब हार्ट वेलमिंग एंड ओवरवेलमिंग फॉर मी ऑल्सो एट द सेम टाइम। So for all that love and blessings that you all shower on MJS, on me, on BBR, on all our family, thank you so much. Or regularly पढ़ने को आना है, ये नहीं एक दिन आए अम्मा आज मन नहीं किया था, ये हो गया था, वो हो गया था, आप बहाने नहीं चलेंगे, तुम्हें करना है, तुम्हें फोड़ना है, वरना वो वीडियो देखी ना नीचे फेंक देंगे उठा के, अगर तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर समझ लेना तुम्हारे साथ क्या हाल होगा। तो see you all with this right in the evening, और बहुत अच्छे से पेन कॉपी अच्छे से तैयार करके आइएगा, बहुत प्लानिंग के साथ बहुत अच्छे से तरीके से हम लोग इस बार भी NDA 22 first फोड़ेंगे। See you all in the evening.